सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ड्रॉ करेंगे शाहरुख खान सर को। तो इसकी पूरी जो ड्राइंग है वो एक वीडियो पर कंप्लीट नहीं हो पाएगी, तो मैं कोशिश करूंगा कि 2 से 3 वीडियो इसके ट्यूटोरियल आए। और इसकी जो शेडिंग की ट्यूटोरियल है वो मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ, और इसकी जो आउटलाइन की ट्यूटोरियल है वो सही से रिकॉर्ड नहीं हो पाई क्योंकि मैंने किसी और जगह पे वो ट्राई करा था, तो इसीलिए थोड़ी शेडो जो है वो ज़्यादा दिख रहा है, तो जिसके कारण वीडियो उतनी सही नहीं है। तो अगर आप फिर भी चाहते हो कि मैं आउटलाइन की वीडियो अपलोड कर दूँ तो आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं वीडियो को अपलोड कर दूंगा। तो इस वीडियो में हम लोग फेस को सेट करेंगे, और मुझे लगता है कि 2 वीडियो में फेस की सेटिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, और 2 ही वीडियो में हम लोग पूरी जो ट्यूटोरियल है वो कंप्लीट कर देंगे। तो वीडियो शुरू से एंड तक जरूर देखना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि आपके सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलती है और हमें और ज़्यादा आर्ट रिलेटेड वीडियोज़ बनाने का मन करता है, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, मैं यहाँ फर्स्ट लेयर को सेट करने के लिए HB पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, और आप इससे भी लाइट पेंसिल यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास अवेलेबल है तो। और जो पेपर है हमारी वो ब्रिस्टल की पेपर है, जो कि 210 GSM की है, और A4 साइज पर ही मैंने इसे परचेज़ करा था, तो इसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। और यहाँ पर पेंसिल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो स्टीलर ब्रांड की पेंसिल है, और मैं मैकेनिकल पेंसिल इसके साथ यूज़ करूँगा। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग लाइट पेंसिल से यहाँ पर शेडो एरिया को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग रेफरेंस पिक की हेल्प से इसको डार्क सेट करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, यहाँ पर रेफरेंस पिक को हम ऑब्जर्व करके जो हमारा डार्क टोन है उसे हम सेट कर लेते हैं। एंड गाइज, बियर्ड और हेयर्स को ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पर आइडेंटिंग टूल्स का यूज़ करूँगा, जिससे हमारी बियर्ड जो है वो काफ़ी रियलिस्टिक लगेगी। तो एंड तक वीडियो में बने रहना गाइज, क्योंकि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अभी जो है हमारी बस फर्स्ट लेयर कंप्लीट होने वाली है गाइज, और हम यहाँ पर बस डार्क टोन को ऑब्जर्व करके हम लोग लाइट शेड उसमें लाने की कोशिश कर रहे हैं, और आगे चल के हम रेफरेंस पिक की हेल्प से उसी को डार्क लुक देने की कोशिश करेंगे, एज इट इज़ तो रेफरेंस पिक में होगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहे गाइज। तो गाइज, हमारी फर्स्ट लेयर यहाँ बनकर कंप्लीट हो चुकी है, अब हम लोग आई से सेकंड लेयर स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हमारी जो रेफरेंस पीक है उसको अच्छे से ऑब्जर्व करनी है, और एज इट इज़ इसको ड्रॉ करने की कोशिश करनी है। जो भी थोड़े बहुत डिटेलिंग आपको देखेंगे रेफरेंस पीक में, और उसे ड्रॉ करने की कोशिश करनी है। तो गाइज, मैं यहाँ पर ब्लेंडिंग के लिए सॉफ्ट मेकअप ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, और इसका जो रिव्यू है वो मैंने अपने ब्लॉग वाले चैनल पर करा है। तो गाइज, ये फ्लैट मेकअप ब्रश जो है वो शेडिंग के लिए काफ़ी सही है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है ये। तो अगर आपको ये परचेज़ करनी है तो आप मेरे ब्लॉग वाले चैनल में जाके वो वीडियो देख सकते हो रिव्यू वाली, और उसी के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी इस मेकअप ब्रश का, तो वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो। एंड रिव्यू वाले वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा सबसे ऊपर, तो वहाँ से आप क्लिक करके वो वीडियो डायरेक्ट देख सकते हो, और उसके डिस्क्रिप्शन में आपको जो ब्रश की लिंक है वो मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाके परचेज कर सकते हो। एंड गाइज, ब्रश से अच्छे से ब्लेंड करने के बाद हम लोग इसको टिश्यू पेपर से अच्छे से फिक्स करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद गाइज, हम लोग हाइलाइटेड एरिया को इरेजर पेंसिल से दिखाने की कोशिश करेंगे, या फिर आप मोनो जीरो इरेजर भी यूज़ कर सकते हो, थोड़ी बहुत डिटेलिंग जो है वो मोनो इरेजर से आप दे सकते हो। तो अब हम लोग रेफरेंस पिक की हेल्प से आईज पर थोड़ी बहुत डिटेलिंग देने की कोशिश करेंगे। तो डिटेलिंग के लिए हम मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहे हैं, और थोड़ा बहुत जो है आप वाइट डिटेल्स जो है वो मोनो इरेजर से क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप पेंसिल इरेजर से क्रिएट कर सकते हो।
तो गाइज इस पोर्शन में नोज पर आप देख सकते हो कि थोड़ा ज़्यादा डार्क टोन है, तो वो हम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। जब भी आप पेंसिल को यूज़ कर रहे हो शेडिंग के लिए, तो आप एकदम हल्का प्रेशर में पेंसिल को चलाएं ताकि वो आसानी से ब्लेंड हो जाए। तो ये सब छोटी छोटी बातें जो आपको याद रखनी है, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो भी बनाया है बहुत सारे, तो वो सब आप ज़रूर देखें, मेरे शेडिंग वाले वीडियोज़ एंड टिप्स जो है वो ज़रूर देखें एक बार। एंड गाइस आईब्रोज के हेयर्स जो है वो दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो दिखाने के बाद स्केच काफ़ी रियलिस्टिक लगने लगता है, तो हम यहाँ पर वही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड गाइज अगर आप देखना चाहते हो कि मैं कैसे कोई वीडियोस को शूट करता हूँ, कैसे उसे रिकॉर्ड करता हूँ और कैसे उसे एडिट करता हूँ, तो ये सारी वीडियोस जो है आपको मेरे ब्लॉग वाले चैनल पर मिल जाएंगे, तो वहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हो। तो मेरे ब्लॉग चैनल की लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। सो मिलता हूँ गाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।